भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मेला मैदान जीबी नगर में शनिवार को रोटरी क्लब जोगिंदर नगर द्वारा विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर पोलियो को खत्म करने के लिए युवाओं के साथ मिलकर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को एसडीएम जोगिंदर नगर अमित मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर खेल मैदान जोगिंदर नगर से रवाना किया। इस दौरान कन्या पाठशाला जोगिंदर नगर के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली में क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया व सभी को मास्क पहनकर कोरोना के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। क्लब और रोटरी संस्था के रूप में भी अलग अलग समय पे यहाँ पे भी और अन्य जगह पे भी, पर मैं खुद साक्षी हूँ। यहाँ पर जो आपकी गतिविधियाँ रहती हैं, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स हों, ऑपरेशंस हों, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं अदरवाइज़, लेकिन ये फ्री करवाते हैं, और इवन सोशल वर्क में इनकी जो भागीदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको ये मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जो इन्होंने ये आज आयोजन किया। और इस अवेयरनेस रैली में अब उसका दूसरे भाग पे आ जाता हूँ कि ये अवेयरनेस रैली तो है ही ये दिखाने के लिए, पर आपको इन सभी बच्चों को जो ये पीछे खड़े हैं, आप सबने अब ये भी इंश्योर करना है कि ना केवल आप इस चीज़ के विषय में अवेयरनेस फैलाएं, अभी तो आप इस विषय में भी अवेयरनेस फैलाएं कि आपने किस प्रकार से सामाजिक दूरी को रखते हुए मास्क को साथ लेके किस प्रकार से पब्लिक प्लेस में आप रह सकते हैं। आपका जो यहाँ से वहाँ तक की यात्रा होगी, जो ये आपका रैली का पूरा कोर्स होगा, इसको मॉनिटर करेंगे कि आप किस प्रकार से दूरी भी बनाए रखेंगे, अपना मैसेज भी देंगे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं इस विषय में उनका अनुपालन भी करेंगे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, यहाँ से जाएं और खुद में वो मॉडल बने, खुद में वो उदाहरण बने जिसको कि बाकी लोग देख पाएं और उसका अनुकरण कर पाएं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है पूरे संसार में। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे के में पूरे हिंदुस्तान एंड पूरे संसार में मनाया जाता है। जो हमारे इस वैक्सीन को निकालने वाले थे, पोलियो का जो वैक्सीन का इजाद हुई है वो सन 1952 में उसके शुरू हुई थी, वो 1955 में पहले वैक्सीन तैयार होकर के लगना शुरू हो गया था, उसको पहले बोलते हैं IPB। IPB का जो इजाद की थी वो डॉक्टर जॉन्स से उन्होंने किया था, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 24 अक्टूबर है, इसलिए इसको जो है एज ए वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। उसी के साथ 1955 में ही दूसरा पोलियो जो है ओरल पोलियो, जो आजकल हम दो बूंद पिलाते हैं, उसकी भी इजाद हुई थी, वो भी डॉक्टर एल्बर्ट करके थे, उन्होंने जो है वो उसके भी 1955 से शुरू हुआ है, उससे पहले कोई टीका वगैरह नहीं होता था इसका। इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए आज रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी क्लब ऑफ जोगिंदर नगर जो है ने इस रैली का आयोजन किया है ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाई जा सके। लोग पोलियो ड्रॉप्स को पिलाने में बच्चों को इधर उधर हिचकते हैं और उसे फायदा नुकसान होता है कि एक बच्चे को भी पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाएंगे तो वैक्सीन जो बीमारी है वो किसी को भी लग सकती है। ये एक संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से है एक बच्चे को भी छूट जाने से सारे दूसरे बच्चों को लगेगी, ये दूसरे लोगों को लगेगी, मतलब बच्चों को नहीं बड़े बुजुर्ग और जवान लोगों को भी लग सकती है। जो हमारे US के प्रेसिडेंट थे नॉट फर्स्ट बट 1921 में जो US के प्रेसिडेंट थे रूज़वेल्ट थे, उनको भी पोलियो ने ग्रसित कर दिया था। 39 साल की उम्र के थे और पोलियो ने उनको भी नहीं छोड़ा था। उस टाइम पर पोलियो का कोई इंतजाम नहीं था और 5 साल तक वो व्हील चेयर में प्रेसिडेंटशिप की है उन्होंने US की। तो इस चीज़ को फिर उन्होंने 1930 से इस वैक्सीन का इजाद करना शुरू की और 1955 में जाकर के इसको सफलता मिली है। इसलिए मगर 1900 जब भारत में जो है और संसार में, फिर 1985 में रोटरी इंटरनेशनल ने सरकार के साथ मिलकर के और साथ में इसके साथ यूनिसेफ है, WHO है और बिल मेलिंडा गेट जो सोसाइटी है, उन्होंने मिलकर 5 की हिस्सेदारी से इसके जो वैक्सीन का जो है पूरा खर्चा जो है उन्होंने उठाना शुरू किया है। और सारे संसार में फिर हर एक बच्चे को हर साल में 2 बार या 3 बार जो है इसकी ड्रॉप सुलाई जाती है और उसका पूरा वहन जो है रोटरी क्लब तथा इसके पार्टनर जो हैं वो वहन करते हैं। इसी उद्देश्य से ये आज रैली निकाली गई है ताकि लोग अवेयर हो सकें और जब भी पोलियो डे आता है पोलियो पिलाते हैं हमारी सरकार जो है उस दिन बच्चों को पोलियो बूथ में लेके आए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।